डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए मैथ्स को आगे पढ़ रहे हैं और इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों ने शुरू किया है पढ़ना। तो चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ पे एक पॉइंट को कैसे डिनोट्स करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। उसके बाद आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे काम की जो चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं और इसी का उपयोग हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे। हालांकि पिछले दिन की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि मूल बिंदु की निर्देशांक कितनी होती है, तो राइट आंसर इज 0 0, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी कहानी ये कि जैसे कि दर्पण हो, जैसे कि लेंस हो, हम लोग सभी दूरियां वहां पे ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, वैसे ही ग्राफ में याद रखिएगा सभी दूरियां हम लोग मूल बिंदु से मापा करते हैं। यहां तक के हम लोग बात कर लिए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र के बारे में। और दूरी सूत्र में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि अगर कोई दो पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया कि एक पॉइंट जो है x1, y1 है, x1, y1 एक पॉइंट है और दूसरा कहीं पॉइंट दिया रहेगा दोस्तों x2, y2, तब अगर बोलेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब कि A एक पॉइंट है, A एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है x1, y1, एक B बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है x2, y2, ठीक है। अब दो निर्देशांक अगर दिया रहेगा दो बिंदु का, तो इसके बीच में कितना दूरी होगा हम लोग निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से। हम क्या सीख रहे हैं आज, दूरी सूत्र को सीख रहे हैं। अगर मान लिया कि कोई ए बिंदु और बी बिंदु का निर्देशांक पता है तो हम लोग दोनों के बीच दूरी को निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में दूरियां को निकाल सकते हैं। अब चला जरा देखते हैं कि दोनों के बीच में जो दूरियां होंगी वो दूरियां क्या होंगी, ठीक है। तो यहां पे दूरी का जो फॉर्मूला होगा AB बराबर, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ये कर सकते हैं, या ये भी बराबर, या तो आप 2 में से हमेशा 1 को घटाइएगा तो दोनों को 2 में से 1 को घटाना है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इन चीजों को अच्छे से देखिए, यही हम लोगों का दूरी सूत्र का फार्मूला है और यही हम लोगों का सबसे काम का फार्मूला है जिसको दूरी सूत्र कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि आप अगर 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो y वाला निर्देशांक को भी 2 में से 1 को ही घटाकर और उसका स्क्वायर करना होगा और फिर वर्गमूल निकालना होगा। या फिर आप दूरी का सूत्र ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप 1 में से अगर 2 को घटा रहे हैं यानी कि x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो आपको y में भी आपको 1 में से 2 करना पड़ेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं सिंपल कि आप याद रखिएगा कि x1 माइनस x2 करेंगे तो y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, y1 माइनस y2। अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा।
तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे वो सीधा यूज करेंगे दोस्तों। सीधा यूज का मतलब क्या, आपको कौन आसान है, सीधा आसान है कि उल्टा आसान है? तो हम लोगों को सीधा आसान लगता है, इसलिए दोनों फार्मूला में से हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो है नीचे वाला, यानी कि इसका हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। अतः आप ये याद रखने में भी असहूलियत देता है कि एक्स वन माइनस एक्स टू करो, वन में से दूसरे को घटाओ, फिर स्क्वायर करो, फिर जोड़ो किसमें किसमें घटाकर, तो वाई वन में से वाई टू को घटाकर उसका स्क्वायर करो, फिर जोड़ने के बाद स्क्वायर करके जोड़ने के बाद उसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। प्यारे दोस्तों, ये जो दूरी सूत्र पढ़ लेने से हम लोगों की क्वेश्चंस नहीं हो पाएगी जब तक कि कुछ एग्जांपल्स नहीं कर लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे, कि अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसका दूरी कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, मान लिया कि एक पॉइंट दिया है 2 और 4, इसका नाम ए है, और एक कॉमा करके बी पॉइंट दिया है 3.6, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में ए का निर्देशांक दिया कितना 2.4, बी का निर्देशांक कितना दिया 3.6, के लिए आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो भाई मेरे, आप एक पॉइंट का नाम दिया है 2.4 और दूसरे पॉइंट का दिया है 3.6, तो आप इसको जब आंसर लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे, तो दो पॉइंट्स बना लीजिए आप, या तो ए को पहले लिखिए या तो ए को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ए को पहले लिख लिए, इसका पॉइंट का नाम 2.4 है, और एक बी पॉइंट है, इसका मान निर्देशांक 3.6 है, बी का निर्देशांक 3.6। अब इसमें से अगर हमें दूरी निकालने के लिए बोल रहा है तो किसके किसके बीच का दूरी भाई, तो ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि ए बी निकालना है। तो जब ए बी अगर हमें निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, यहां आप देख पाइए, तो हर निर्देशांक में पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 जो है ये हो गया हम लोगों का एक्स वन का मान, और ये 4 हो गया वाई वन का मान, ये हो गया एक्स टू का मान, और ये हो गया वाई टू का मान। तो अब आप देख पा रहे होंगे, आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे ना, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू नहीं लिखना सवाल में, चूंकि ये चीजें आपके सामने पहली बार है तो आपको समझाने के लिए ही ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए जिसको हम लोग ए बी बोल रहे हैं, क्या फार्मूला होता है, एक्स वन माइनस एक्स टू, तो यानी कि 2 - 3 का होल स्क्वायर, एक्स वन हुआ 2, एक्स टू हुआ 3, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, यानी 4 - 6 का होल स्क्वायर, कितना बन गया जरा देखते हैं, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 6 गया -2 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, -1 का स्क्वायर कितना 1, -2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 और 1 मिलकर कितना हुआ √5, तो दोनों के बीच के दूरी जो हो गया वो कितना हुआ दोस्तों, √5 हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि अगर आप ये समझिए कि दो पॉइंट यानी कि दो बिंदु दिया रहेगा, दो निर्देशांक दिया रहेगा, तो हम लोग उसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग एक और काम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया P बिंदु दे दिया 8 - 6 और कॉमा करके Q का निर्देशांक दे दिया 2 - 3, ठीक है, तब बोल रहा है कि इसके लिए आपको दूरी निकालना है, तब कैसे करेंगे भाई, हम क्या बोले कि जो दोनों बिंदु दिया है, एक बिंदु का नाम P है, उसका निर्देशांक 8 - 6 है, एक बिंदु Q है, उसका निर्देशांक -2 - 3 है,
तो आप इसको जब भी सॉल्यूशन कीजिएगा, जब भी हल कीजिएगा, तो दो बिंदु है। अब आपकी इच्छा है कि कोई जरूरी नहीं है कि P पहले है तो पहले ही लिखेंगे, हम Q को भी पहले लिख सकते हैं। यानी कि जब दोस्तों दो बिंदु रहता है, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु रहता है तो हम कोई भी बिंदु को पहले लिख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के वजह से। यानी कि यहां पे आप दे दीजिए Q और Q का निर्देशांक -2 -3, फिर कुछ दूरी पे P है और इसका निर्देशांक कितना 8, -6। अब ये दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है भाई, दूरी निकालना है, दोनों के बीच में दूरी निकालना है, यही दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो आप दूरी को क्यू पी लिख लीजिए चाहे पी क्यू लिख लीजिए, कोई सा भी लिख सकते हैं यहाँ पे दूरी, तो अच्छा लगता है कौन सा, पी क्यू लिखना अच्छा रहता है, थोड़ा सा बोलने में भी अच्छा। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, रूट करो, अब वन में से एक्स वाला को टू को घटाओ, यानी कि एक्स वन का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे -2, एक्स टू का वैल्यू कितना हुआ -8। क्यों, क्योंकि एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एक्स वन का तो वैल्यू हो गया -2, फार्मूला में माइनस बोलता है, और माइनस एक्स टू करो तो एक्स टू का वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन में से वाई टू को घटाना है। जरा अच्छे से घटाइएगा, वाई वन के जगह पे कितना भाई -3, और फार्मूला में माइनस होता है, वाई वन माइनस वाई टू का वैल्यू कितना -6, तो यहां पे हो जाएगा -6। देख पा रहोगे, ये वाई वन माइनस फार्मूला से वाई टू का वैल्यू -6, तब करेंगे इसका स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे यहां पे -2 और -8 मिलके कितना हो रहा है -10 का स्क्वायर, प्लस ये -3 है और ये -, +6 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर भी 100 ही होता है, और ये माइनस है ना, तो -10 × -10, -10 का स्क्वायर कितना होगा प्लस में 100, ठीक है, प्लस 3 में से 6 को घटाना है तो प्लस का संख्या ज्यादा है, तो ये बन गया कितना 3, -3 + 6 का मान हो गया 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 109। तो कुल मिलाकर हम लोग दूरी सूत्र से कैसे ही हम लोग दूरी निकाल पाते हैं इसके बारे में आप लोगों ने सीखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगले पॉइंट्स की ओर, कि दो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो दूरी सूत्र हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं संरेखी के बारे में। संरेखी क्या होता है, संरेखी रेखाएं, ठीक है। अब लिखा जाए टॉपिक्स, संरेखी रेखाएं, ठीक है। सबसे पहले संरेखी रेखाएं क्या होती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, संरेखी रेखाओं में तीन रेखा पाई जाती हैं। संरेखी रेखाएं में कितनी रेखाएं पाई जाएंगी, तीन रेखाएं, ध्यान दीजिएगा। अब तीन रेखाएं कब होगी संरेखी, तो अगर तीन रेखाएं में से किसी दो रेखा का योग अगर तीसरे रेखा के बराबर हो जाता है तो हम लोग उसको संरेखी रेखाएं कहते हैं, उसको संरेखी रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि संरेखी रेखाएं क्या है, फर्स्ट एरो देके लिखेंगे इसमें, संरेखी रेखाओं में तीन रेखाएं पाई जाती है, तीन रेखाएं पाई जाती है। चलिए फिर सेकेंड एरो देंगे, लिखेंगे तीनों रेखाओं में
किन्हीं दो रेखा का योग, किन्हीं दो रेखाओं का योग तीसरे रेखा के बराबर हो जाए तो, तीसरे रेखा के बराबर हो जाए तो उसे समरेखी रेखाएं कहा जाता है। समरेखी रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी सीखे कि समरेखी रेखाएं किसको कहते हैं। जरा इसके पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि समरेखी रेखाएं में कितनी रेखाएं होती है। हमेशा तीन रेखाएं होती है और तीनों रेखाओं में किसी दो को जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर हो जाता है उसको हम लोग समरेखी रेखाएं कहते हैं। जरा आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे सिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है हम अभी कि समरेखी में कितनी रेखाएं हो सकती है, तीन रेखा दोस्तों, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन रेखाएं हैं। अब यहां पे एक का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, एक का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एक का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। तीनों रेखाओं की अलग अलग लंबाई होगी ना भाई। अब ये तीन रेखाओं में से आपको अब अपना दिमाग लगाना है कि क्या ये संरेखी है। तो हम क्या बोले संरेखी पहचानने के लिए कि किसी भी दो रेखा को जोड़िए और देखिए कि तीसरा रेखा के बराबर आता है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने जोड़ा 4 और 8, 4 और 8 मिलके कितना हो रहा है 12, तो तीसरा वाला तो 12 नहीं है। तो हम लोगों का ये फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है हम इसको जोड़े ना तो नहीं आया। अब की बार इसको जोड़िए, 8 और 2 10, ये तो 4 है भाई, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो अब तीसरा वाला का देखना है। अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और यहां है कितना 8, इसलिए ये बोलेंगे कि ये संरेखी रेखा नहीं है, संरेखी रेखा नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, कोई भी अगर दो ठोक को जोड़ने से अगर तीसरा मिल जाता है उसको हम लोग संरेखी रेखाएं कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लिया कि एक 8 है, 17 है, 9 है, तो क्या ये संरेखी है। 8 सेंटीमीटर दूरी है ना, दूरी दिया रहेगा 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो आप चेक कीजिए कि क्या तीनों जो है संरेखी है, तो 8 और 17 जोड़िए कितना आ रहा है 25, तो 25 तो नहीं है, एक वो फेल हो गया। अब 17 और 9 जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, किसी भी दो का जोड़ तीसरा का इक्वल होना चाहिए। अगर होता है तभी संरेखी होगा, अगर तीनों का तीनों नहीं होता है संरेखी नहीं होगा। 17 और 9 26, तो यहां तो 26 नहीं है, गलत। अब इसको साथ में रखिए, 8 और 9 17, बीच वाला के बराबर आ जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह संरेखी रेखा है, संरेखी रेखा है। तो हम किसको बोलेंगे और किसको संरेखी नहीं बोलेंगे ये तो मामला समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार एग्जांपल ऐसे है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। क्या ये, इसको कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 8 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि यहां पे संरेखी है कि नहीं है। हम क्या बोले संरेखी चेक करने के लिए, बार बार बोल रहे हैं किसी दो रेखा को पकड़ना है, अगर दो रेखा को जोड़ने पर तीसरा के बराबर होता है तभी उसको संरेखी बोलेंगे।
इसके लिए तो आपको चेक करने पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं कि तुरंत चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, दूसरा लाइन 5 सेंटीमीटर है और तीसरा 3 सेंटीमीटर। आप किसी दो को जोड़ के ट्राई कीजिए कि आ रहा है कि नहीं। तो 8 और 5 जोड़ा 8 5 13, यहाँ 13 नहीं है। चलिए अभी तक तो संरेखी नहीं आ रहा है, अब 5 और 3 को जोड़िए तो 8 आ जा रहा है। हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि सर ये दोनों के जोड़ने से आना चाहिए कि ये दोनों से जोड़ने से आना चाहिए कि किनारे किनारे वाले से, ये भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई सा भी दूठो जोड़ रहे हैं हमें आ जा रहा है, जैसे 5 और 3 को जोड़े तो 8 आ गया। तो जब अगर आ जाता है कोई दो ठो को जोड़ने पर वो संरेखी हो जाता है, संरेखी रेखा है। अगर मान लिया कि संरेखी रेखा नहीं रहेगा तो किसी को भी दो को जोड़ने पर तीसरा के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग संरेखी रेखा के बारे में सीखा। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक संरेखी के रूप में एक क्वेश्चन को करते हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, P का निर्देशांक पता है 2 4, कॉमा Q का निर्देशांक 3 माइनस 2, R का निर्देशांक 4 कॉमा माइनस 2 है। तो बताएं कि क्या ये संरेखी है। ध्यान दीजिएगा चीजों को, हम क्या बोल रहे क्वेश्चन में। इस बार दोस्तों P का मान, Q का मान और R का मान यानी कि निर्देशांक के रूप में दिया गया है, और सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल ये बोल रहा है आप चेक करो कि क्या ये संरेखी है। तो संरेखी चेक करने के लिए भी हम क्या बोले कि संरेखी तभी हो पाएगा जब दो रेखाओं की लंबाइयों को जोड़ने से तीसरा रेखा के लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। ये तो लंबाई नहीं दिया है, ये तो निर्देशांक दिया है, तो कैसे करेंगे। आप मान लो भाई कि 3 गो पॉइंट है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा फिगर जरूरत है। एक मान लो भाई P, ठीक है, एक मान लो Q, एक मान लो R। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, ठीक है। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, यहां पे R बिंदु है। अब P का निर्देशांक कितना है जरा लिख लेते हैं। ये P का निर्देशांक 2 कॉमा 4 है। Q का निर्देशांक कितना है, 3 कॉमा 2 है। और R का निर्देशांक कितना है, 4 कॉमा माइनस 2, ठीक है। ये निर्देशांक दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको संरेखित चेक करने के लिए PQ का दूरी निकालेंगे, PR का दूरी निकालेंगे कि कितना यूनिट कितना मात्रक आ रहा है, और QR का दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरी में से किसी दो को जोड़ने से अगर तीसरा कोई भी इक्वल आ जा रहा है, हम उसको बोल देंगे ये संरेखी है। तो सबसे पहले यहां पे हमें तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, तीनों दूरी निकालना पड़ेगा। और तीनों दूरी निकालने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे लिखिएगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से जो हम लोगों का P से लेकर Q तक की दूरी हुआ, PQ फॉर्मूला क्या है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको जो है R को तो देखना ही नहीं है भाई, R को तो देखना ही नहीं है,
सिर्फ P और Q का बात बोला जा रहा है, तो P का वैल्यू X1 का 2, Q का वैल्यू X1 का 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसमें से दो में से तीन को घटा रहे हैं, याद रखिएगा चार में से भी आपको दो को घटाना पड़ेगा, नहीं तो इधर से कर रहे हैं तो इधर से घटाइए दोनों में, जैसा कि बताए। तो यहां पे आप जो लगाइएगा सीधा सीधे लगाइएगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, यानी कि दो माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस चार माइनस दो का होल स्क्वायर, कितना आ गया भाई? तो ये माइनस वन लीटर आया, यानी कि सेंटीमीटर दूरी आया दो में से तीन को घटाने पर। अब माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? प्लस, और चार में से दो गया तो दो, और दो का स्क्वायर आया कितना? चार। चार और एक मिलके कितना हो गया? रूट पांच। दोस्तों अब पी क्यू का वैल्यू हमें आ गया, कितना आया? रूट अंडर में दो। वैसे ही दोस्तों जैसे हम पी क्यू निकाले हैं कितना आया? रूट पांच। वैसे ही आप पी आर भी निकाल सकते हैं, और जब पी आर निकल जाएगा तो आपको क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर से पी आर निकालना है, ये रूट दो नहीं रूट पांच है। अब PQ, अच्छा ठीक है, PQ तो नहीं लिए ना यहाँ पे, PR ले लेते हैं। तो PR का फॉर्मूला क्या है? Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है? Y2 4 माइनस X1 का वैल्यू कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस, जब हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो पहले इसी में से y1 का वैल्यू लेंगे, सॉरी y2 का वैल्यू लेंगे, माइनस में 2 इंटू ये क्या है 4/18, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, एक मिनट गलती हो गया, यहां y2 कितना है? माइनस 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर चार में से दो गया दो, और दो का स्क्वायर कितना? चार प्लस माइनस दो और माइनस चार माइनस छ, और माइनस छ का स्क्वायर कितना? 36। तो रूट अंडर में 40 80 आ रहा है ना, सॉरी ये कितना आएगा? अब दो दूना का चार 36 और 40 आएगा, ठीक है 40 आएगा, ठीक ना। यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि रूट पी क्यू का वैल्यू कितना आया? रूट पांच, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 40 में रूट, ठीक है। अब क्या बच रहा है हम लोगों का? क्यू आर बच रहा है। अब क्यू आर को हम लोग चलते हैं, QR इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, देख लीजिए नीचे वाला, तो तीन माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, यानी कि वाई वन का वैल्यू कितना है? टू, ठीक है, और माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि तीन में से चार गया कितना? माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर वन, और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ना, तो दो प्लस दो कितना हो गया? चार, चार का स्क्वायर, तो टोटल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा 17। आप देख पा रहे होंगे कि इसका वैल्यू कितना आया था भाई, तो रूट अंडर 40, इसका वैल्यू आया रूट अंडर 17। तो क्या किसी को जोड़ के, ध्यान दीजिएगा, किसी को जोड़ के आप यहाँ पे तीसरा चीज प्राप्त कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन में ऐसा कहीं प्रॉपर्टीज नहीं है कि इसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो QR का वैल्यू √17, PR का वैल्यू √40 और PQ का वैल्यू √5। तो यहां पे आपको ये पता चल गया, हियर, अब फिगर के नीचे लिख दीजिएगा हियर PQ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फिर Q का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 32 सॉरी, तो PQ हो गया ना, फिर क्या निकाले PR निकाले, PR का वैल्यू √40 और QR का वैल्यू √17। अब देख पा रहे होंगे तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो जब तीनों में कोई बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग तीनों बराबर नहीं है और साथ साथ किसी को जोड़ने पे भी तीसरा नहीं मिल रहा है ना, मामला तो यहाँ ये है कि किसी को भी जोड़ने पर साथ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जब साथ में नहीं आ रहा तो कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट। जैसे मान लिया कि PR का वैल्यू निकाले, कि PQ का वैल्यू निकाले, QR का वैल्यू निकाले, अब इसमें से हमें चेक करना है कि क्या किसी दो का जोड़ 17 हो रहा है, तो √5 और √40 को जोड़ेंगे तो √17 होगा, नहीं, √17 और 5 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, नहीं, 40 17 को जोड़ेंगे तो 5 नहीं मिलेगा। तो यहां पे लिखिएगा कौन सा दो सबसे छोटा है, 5 और 17 का, अगेन √17 प्लस √5 डज नॉट इक्वल टू √40, यानी कि जब हम इसको इसको जोड़ रहे हैं तो तीसरा के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर दिए, कट दिए हैं, कट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दूरी सूत्र को पढ़े और कुल मिलाकर हम लोग संरेखीय रेखा के बारे में पढ़े, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 में, सॉरी 7.1 में तीसरा तक के क्वेश्चन बना लेना है होमवर्क्स में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्वेश्चन बना लेना है, हालांकि पहला में और भी क्वेश्चन है और जो कर लिए होंगे तो काफी बढ़िया है उनके लिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं, अगले क्लास में कुछ पढ़ेंगे, तो आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप कर दीजिए और जो बनाने के लिए दिए हैं उसे जरूर बनाइए, तब तक धन्यवाद।